हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवम पुरी है। आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि क्लास टेंथ के अंदर एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है रिटेल, और उसी सब्जेक्ट की आज हम 27th लेक्चर वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। बच्चों, हमने शुरू किया हुआ है सेकेंड यूनिट रिटेल स्टोर ऑपरेशंस, जिसके अंदर हमारे आते हैं 4 सेशन। सेशन 1 फंडामेंटल्स ऑफ रिटेल ऑपरेशंस, सेशन 2 चेक द लेवल ऑफ स्टॉक ऑन सेल, सेशन 3 रिस्पॉन्ड एंड कम्युनिकेट टू कस्टमर्स, सेशन 4 कैटेगराइज्ड रिटेलर्स। बच्चों, हमने शुरू किया है सेशन 1 फंडामेंटल्स ऑफ रिटेल ऑपरेशंस। जैसे कि आप सब देख सकते हैं इस इमेज में कि यहाँ पर एक तरफ है रिटेलर, और रिटेलर के पास सामान खरीदने कौन आया है? बिल्कुल ठीक, कस्टमर। बच्चों, मुझे पता है कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ना होता है, इसलिए आपको नोट जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलेंगे। सत्र 1 खुदरा संचालन के आधार। शुरू हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ गुड्स? माल की प्रभावित हैंडलिंग के क्या फायदे हैं? अब अच्छे ढंग से सामान को अगर आप लेके जाओगे तो उसके फायदे भी, कुछ फायदे भी तो होने चाहिए ना, ये तो सामान को ऐसे फेंक देंगे हम, है ना? तो फायदे क्या है उनको हम समझते हैं, ठीक है। फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ एक्टिव हैंडलिंग, ठीक है, माल की प्रभावित हैंडलिंग के फायदे निम्नलिखित हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं उनको हम समझते हुए चलेंगे, ठीक है। 1, 2, 3 वर्ड पॉइंट की तरह हम समझते हुए चलेंगे। नंबर 1 पॉइंट है आपका, लोअर्स द यूनिट मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट। यूनिट सामग्री की लागत को कम करता है। देखिए, जो हैंडलिंग कॉस्ट होती है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आना, अब वो चाहे इंसान लेके आए चाहे मशीन लेके आए, ठीक है, बार बार एक चीज़ को उठाओगे फिर लेके जाओगे, थोड़ा सामान उठाओगे फिर लेके जाओगे, तो इससे क्या होगा, इससे या अगर मशीन है तो उसके अंदर मशीन और प्लस उसके अंदर फ्यूल जो होगा वो वेस्ट हो रहा है। अगर मैन्युअली लेके आओगे तो जो इंसान है उसका समय बर्बाद हो रहा है और उसकी एनर्जी वेस्ट भी हो रही है, ठीक है। तो लोअर द यूनिट मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, तो वहाँ पर वो जो कीमत है वो कम लगेगी अगर हम अच्छे इफेक्टिव ढंग से सामान को उठा लेंगे। तो वो जो इंसान है जो 5 घंटे में उसने काम को ख़त्म किया, अगर इफेक्टिव हैंडलिंग करेगा तो वो इंसान जो है वो 2 घंटे में ख़त्म कर सकता है उस काम को, तो उसके 3 घंटे वो बचेंगे, वो 3 आवर्स जो हैं वो कहीं और यूटिलाइजेशन कर सकते हैं उसकी। तो वो हैंडलिंग कॉस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। टाइम इज़ ऑल्सो मनी, यहाँ पर वो टाइम इज़ मनी की बात आती है यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, रिड्यूसिंग द मैन्युफैक्चरिंग टाइम, ठीक है। विनम्र समय कम कर देता है। अब मैन्युफैक्चरिंग टाइम को रिड्यूस कैसे करता है? देखिए, अब यूनिट मटेरियल है, ठीक है, आपका मटेरियल हैंडलिंग है, आप इन प्रोसेस की बात करते हैं जहाँ पर सामान तैयार हो रहा है, ठीक है। अब वहाँ पर आप अगर लॉन्ग चेन के थ्रू आ रहे हैं, पहले कच्चा माल आया, फिर कच्चा माल से जब वो एक सेमी फिनिश गुड्स में आ रहा है, तो वहाँ से उस फिनिश मशीन तक सामान पहुंचाने के लिए अगर 5 मिनट लग रहे हैं तो उस 5 मिनट क्यों लग रहे हैं, ठीक है, उस टाइम को कम होना चाहिए। वहाँ पर हार्डली कुछ सेकंड्स में वो कन्वर्ट हो जाना चाहिए, तो अगर वो कम होगा तो मैन्युफैक्चरिंग टाइम में भी दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ पर सामान जल्दी जल्दी बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, इसी में एग्जाम्पल लेते हैं, हम घर के किचन की बात करते हैं, ठीक है बच्चों, शायद वो आपको अच्छे ढंग समझ में आएगा। आपने चाय बनानी है, ठीक है, आपने जो चीनी है वो आपने अपने से 7 फीट दूर रखी है, और आपने जो पत्ती जो है, जो टी लीव्स हैं, वो आपने किसी और रूम में रखे हैं, लेकिन जब आप चाय बनाने जाएंगे तो पहले आपने चीनी पकड़ने के लिए आप अपने हार्डली 10 सेकंड वेस्ट वहाँ करेंगे, और अगर आपने पत्ती किसी और कमरे में रखी है तो आप वहाँ पर जाने के लिए अपने 1 मिनट वेस्ट करेंगे, तो 1 मिनट एंड 10 सेकंड आपने तो वेस्ट कर दी। लेकिन अगर ये सारा सामान आपके पास है, आपके अप्रोच में है, तो आपको टी बनाने के लिए आपको वो टाइम नहीं लगेगा, आप जल्दी जल्दी उस मटेरियल्स को उसमें डालते जाएंगे। इसी तरीके से रिड्यूसिंग मैन्युफैक्चरिंग टाइम का मतलब यही है, जब हम सामान बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो उसके अंदर जो रॉ मटेरियल, जो भी उसमें लगने वाला मटेरियल है वो उसके आसपास होना चाहिए, ताकि वो इफेक्टिव ढंग से वो जब उसको जब कैरी करेंगे गुड्स को, जो वो अगेन यहाँ पर बात करें इफेक्टिव हैंडलिंग की, जब उसको कैरी करेंगे तो वहाँ पर टाइम नहीं लगेगा, जब टाइम नहीं लगेगा तो मैन्युफैक्चरिंग को भी टाइम नहीं लगेगा, वो भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब बात समझ में आई। नंबर 3rd पॉइंट, रिड्यूस डिलीवरी टाइम, वितरण के समय को कम करना। अब इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ गुड्स में रिड्यूस डिलीवरी टाइम वो कैसे है? अब देखिए, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है,
अब आपको पता है कि हमने प्रोडक्ट्स को कहाँ कहाँ पे रखा है, ठीक है, कैसे कैसे डिलीवर करना है, तो आपको अगर पूरा पता है तो आप गुड्स को इफेक्टिवली ढंग से उसको पिक करेंगे, और उसको पिक करने के बाद इस तरीके से रखेंगे कि जब आपको सामान को उतारना है, अब फॉर एग्जांपल कि ए बी सी ये तीन घर हैं, ठीक है, इन तीनों घरों में कस्टमर्स हैं ए बी सी जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है, तो अब पहले घर आएगा ए का, फिर आएगा घर बी का, फिर घर आएगा सी का, तो पहले हम सामान लोड करेंगे सी का, फिर हम लोड करेंगे बी का, फिर हम ट्रक में लोड करेंगे ए का, क्योंकि सबसे पहले घर आएगा ए का, तो ट्रक जैसे ही वहाँ पहुँचेगा हम सामान को उतारेंगे पहले ए के घर पे, फिर हम ट्रक से सामान उतारेंगे बी का, और लास्ट में हमने लोड किया था सी का, तो सी के घर पे हम उसको डिलीवर करेंगे। तो यहाँ पर फैक्ट्री हैंडलिंग गुड्स है, जहाँ पर आपने गुड्स को अच्छे ढंग से रखा हुआ है, तभी तो फैक्ट्री आपने टाइमली डिलीवरी कर दी, नहीं तो क्या होगा, अगर ए का सामान पीछे पड़ा तो पहले आप बी सी का सामान उतारोगे, फिर बी का उतारोगे, फिर ए का डिलीवर करोगे, देन फिर ट्रक में आप बी का सामान चढ़ाओगे, फिर उसको सी का सामान को चढ़ाओगे, तो बहुत ज़्यादा मैनुअली बहुत ज़्यादा फटीग भी होगी, टाइम वेस्ट भी होगा। ठीक है बच्चों, समझ में बात आ रही है आपको। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, रिड्यूस इन्वेंट्री एक्सेशन। अब इन्वेंट्री आपको समझाता हूँ इन्वेंट्री है क्या, ठीक है, इन्वेंट्री की अधिकता को कम करना। अब इन्वेंट्री होती है जैसे कि आपके घर में चावल आटा, ठीक है, आलू वगैरह, इनकी भी इन्वेंट्री होगी, इन्वेंट्री मतलब सामान स्टॉक में पड़ा हुआ है, ये नहीं जैसे दूध जो होता है, दूध हम आज लेके आते हैं 1 किलो, शाम तक ख़त्म, अगले दिन फिर जाते हैं, ठीक है, तो उसकी हम इन्वेंट्री नहीं बना के रखते हैं। लेकिन आपने आटा व्हीट या राइस की आपने बैग्स 20 kg 30 kg आपने स्टोर कर रखे हैं, जबकि आपके दिन में 1 kg या ½ kg आपके यूज़ होते होंगे, लेकिन आपने अपने इन्वेंट्री में आपने 20 kg या 40 kg आपने राइस या व्हीट रखा हुआ है, ठीक है, कि आपको उसकी यूसेज होती रहती है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका यूसेज या आपके घर के अंदर जैसे 5 kg राइस रह जाते हैं, बोलते हैं चावल ख़त्म होने वाले हैं या चीनी ख़त्म होने वाली है, तो मार्केट जाके हम फिर ले आते हैं, तो वो जो फिर ले आते हैं तो वह अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं। तो ये मैंने बात कर दी इन्वेंट्री की, अब इसमें मटेरियल इफेक्टिवली हैंडलिंग ऑफ गुड्स के अंदर ये रिड्यूस कैसे करते हैं इन्वेंट्री सेक्शन को, कि अब वही बात आ गई ना कि जैसे मैंने बात की थी मैन्युफैक्चरिंग की, कि आपका जो सामान है, ठीक है, वो आपने सामान अगर इफेक्टिवली ढंग से आपने रखा हुआ है, ठीक है, ओके, और आप उसको इफेक्टिवली ढंग से आप कैरी कर रहे हैं, जब आप कैरी कर रहे हैं तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम में जो मैंने बात की थी कम लगेगा, तो डेट इज ऑब्वियस है कि आपका मटेरियल भी अब जल्दी जल्दी लगना शुरू हो गया है, जब आपका जल्दी जल्दी मटेरियल लगेगा तो आपको ये पता लग जाएगा कि मेरा इन्वेंट्री में मुझे कितना स्टॉक रखना है। तो एक ऐसे क्या होता है कि आपने कभी जल्दी मटेरियल हैंडलिंग पहुंचा दी, कभी आपसे लेट पहुंची, तो मैन्युफैक्चरिंग वहां पर टाइम में लेट, कभी लैग और जल्दी बन रहा है, कभी लेट बन रहा है, तो उसके फ्लक्चुएशन की वजह से इन्वेंट्री फ्लक्चुएट करती है, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल आपका यूज़ ही नहीं होगा तो आप दोबारा से रॉ मटेरियल कब ले खरीदोगे, कब लेके आओगे, इसलिए, ठीक है, वही मतलब चाय की पत्ती आपकी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, तभी तो आप जल्दी जल्दी ऑर्डर दोगे कि मुझे भी चाय की पत्ती और मंगानी है और स्टॉक में रखनी है, ठीक है, लेकिन अगर आपकी चाय धीरे धीरे बन रही है तो फिर ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ पर जो आपकी इन्वेंट्री है वो भी फ्लक्चुएट करेगी, इसलिए, ठीक है, इसलिए अगर जब आपकी इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ गुड्स हो जाएगी तो आपकी इन्वेंट्री भी इफेक्टिवली वर्क करेगी, और आपको ज़्यादा स्टॉक रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि मेरा मटेरियल जल्दी जल्दी कौन सा लग रहा है, ठीक है। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, इम्प्रूव सेफ्टी इन वर्किंग। अब देखिए काम करने में सुरक्षा में सुधार करता है, इफेक्टिव हैंडलिंग गुड्स की हम बात करते हैं कि सामान जो हम उठाते हैं उसको हम इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, है ना, फॉर्क लिफ्टर यूज़ करते हैं, हैंड डॉली यूज़ करते हैं, या अपने हाथों से सामान को उठाएंगे, जैसे भी उठाएंगे लेकिन उसमें हम सेफ्टी को पूरा ध्यान रखते हैं, ठीक है, ताकि जो वर्कर है कर्मचारी है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, ना ही उसको होना चाहिए ना ही सामान को होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए जब इफेक्टिव हैंडलिंग होगी तो वो सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखेगी। तो ये सारे जो पॉइंट्स आपने देखे हैं, ठीक है, ये सब पॉइंट्स जो हैं वो इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ गुड्स के हैं, एक जो मटेरियल है उसकी हैंडलिंग कॉस्ट को कम करना, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग के समय को कम करना, तीसरा है जो डिलीवरी जो देनी है उसमें कमी, ठीक है, और जो इन्वेंट्री है वो ज़्यादा ना हो हमारी, उसको बिल्कुल बैलेंस करके रखेगा, इसलिए रिड्यूस हो गया वहाँ पर, कम हो गया, ठीक है, और सेफ्टी तो बिल्कुल दे रहा है इफेक्टिव हैंडलिंग।
सो थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं देन डू लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा.